गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे आदिक ने आपसे? अब हम तो अब मैंने एक मिनट बाद लाइव वीडियो बनाने वाले हैं, तो जल्दी से आइए और लाइव वीडियो देखिए। एक मिनट बाद, एक मिनट नहीं, अभी एक घंटे का टाइम दे रहे हैं हम। क्या होता है कि मे बी हाफ एन आवर विल गिव, हम आधा घंटा टाइम दे सकते हैं उनको, मतलब अभी दो बजने वाले हैं तो ढाई बजे तक हम लाइव आएंगे। ये आफ्टर दिवाली टॉक हम अभी वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं थोड़ी सी, जो मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये जो बच्चा बैठा है आदिक, ये ही है मोटिवेटर असली, जिसने कि हमको दोबारा थेरेपी में और यूट्यूब में भी मुझे लॉन्च किया है। और मैं बताऊँगा कि वो जो कोरोना टाइम था उसमें फाइनेंशियली बहुत काफ़ी मेरी स्थिति खराब हो गई थी। तो जब तक के लिए हम ढाई घंटे बाद लाइव आएंगे, नहीं, तो लाइव आएंगे पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं फ्रेंड से। कुछ लोग लाइव नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए कर सकते हैं बात, है ना, बात ही कर सकते हैं कि जो कोरोना टाइम था उस समय मेरे पास थेरेपीज ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं डेवलपमेंट थेरेपिस्ट हूँ और ट्रेनिंग मैंने 2001 से 2002 में मैंने कोर्स पूरा किया था। और ये कोर्स थोड़ा आदि थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। और उस कोर्स करने के बाद फिर मैंने एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और वहाँ काम करने के आफ्टर 10 ईयर्स आई लेफ्ट द जॉब। बट बिफोर दैट आई बीन टू इंग्लैंड बिकॉज इट वन ऑफ द बीएसए वॉलंटियर मिसी थी वो पैनी और सेलवन, उनके साथ अंडर में काफ़ी काम किया, काफ़ी सीखा। तो ये जो डेवलपमेंट थेरेपी कोर्स है, इसका थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये कोर्स मिक्स है, इसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी शामिल है। इन तीनों थेरेपीज के अलावा हम बच्चे के जो अदर एरिया हैं, सोशल एरिया है, इमोशनल एरिया है, कॉग्निटिव एरिया है और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इनको भी हम शामिल कर रहे हैं। तो हम बहुत फैमिली टॉक कर रहे हैं, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी इन वेरी फॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल बातचीत है। तो जो फेस्टिव सीजन होता है, जैसे अभी दिवाली है, तो हम सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको चलने में बैठने में समस्या है या वो स्पीच में इशू है, तो हम उन्हें कैसे शामिल करें एक दिवाली के उसमें या एक त्यौहार के उसमें, कैसे उनको इंक्लूजन करें, क्योंकि इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है और सबको मिल के ही इंक्लूजन करना है। जैसे कि ये बच्चा है, देखिए आपको बताया गया बहुत पॉप अप करके, बहुत सिंपल ये एक फटाका होता है और ये पॉपअप जो होता है, हाँ बट दिखाओ, तो इसमें जो है बहुत आसानी के साथ, जैसे बताया गया आपको डेमो करके आदमी बहुत आसानी से फोड़ सकते हैं इसको, इसमें कोई डर नहीं है। मतलब बच्चों में अगर हैंड कंट्रोल थोड़ा कम है तो वो भी फेंक सकते हैं थोड़ा ऐसे करके, या हम पुश करवा सकते हैं हमसे कि चलो आप कोशिश करो, आप इसको फेंको। वेबर क्या होता है कि वो नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं फेंक पा रहा है, बच्चों को देते नहीं, वो स्पेशल चाइल्ड है, तो ऐसे इनके फ्रेंड हैं स्कूल में, वो भी थोड़ा उसको भी प्रॉब्लम है, उसको उसने इंक्लूड किया। तो आप इस तरह के जो पॉपअप है, जो ये गेम देखिए, इससे जो है आप बहुत अच्छे तरीके से, आइए डेमो करो इनके आगे। अच्छा चलो अभी डेमो नहीं करें, वो बहुत ईजी होता है, इसमें आग लगने का डर नहीं है। और जो चिल्ड्रन में डिसबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी आसानी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, और पॉपअप के नाम से ही अवेलेबल है। अब आदि हाँ, अब मैं थोड़ी देर बात करूँगा आपसे कि जब मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके साथ भी उन बच्चों को शामिल करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उन्हें छुपाना है कि नहीं वो बच्चा स्पेशल है हम नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं, उनको लाइए, उनको सोशलाइज कीजिए, ये भी इट्स ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल थेरेपी, है ना। तो हम जो डेवलपमेंट थेरेपी की जब बात कर रहे हैं पूरी तरह से, तो उसमें केवल ये नहीं है, हमें पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है उसकी, एक ये नहीं करना है वो चलना सीख गया, बैठना सीख गया या बोलना सीख गया या अपनी बात कहने लगा, लेकिन उसको सोशलाइज होना है। ये जो बच्चा देखिए अभी इंग्लिश में आ रहा है, तो ये क्या है कि ही वांट्स टू शो हिज एबिलिटी, अब उसको अटेंशन ले रहा है, मतलब ये सामान्य बच्चों में ये चीज़ होती है। ऐसा अगर हमारे बच्चे भी करते हैं स्पेशल, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अगेन कि अब दिवाली है, दिवाली में उनको भी फटाके चलाइए, बट सेफ साइड, उनको इस तरह के पॉपअप दे सकते हैं, फेंक सकते हैं, या फोन में भी थोड़ा डर रहता है क्योंकि वो अगर छूट गई तो फिर आग लगने का डर है, तो ये गेम्स काफ़ी फ़ायदा कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि अभी सर्दी चल रही है, मगर जब गर्मियाँ आएंगी तो हम हाइड्रोथेरेपी और हेलिविक थेरेपी पर काफ़ी बात करेंगे, क्योंकि हेलिविक एक 10 पॉइंट बेस्ड प्रोग्राम है, जिसको भी हम प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बना के देंगे, मतलब वीडियो पर देंगे, और फिर
जो जैसे आप कुछ लोग हैं वो लोग अगर उनके वहाँ सर्दी नहीं है ज़्यादा तो दे कैन यूज़ द पूल। आप कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, ठीक है। हम अभी मेरे को आदिक ने कहा कि अभी हम इतनी बात ही करें केवल, फिर हम जो हैं वी विल कम बैक अगेन इन लाइव इन 2:30। सो प्लीज़ ज्वाइन ऑल सब्सक्राइबर्स एंड लेट्स टॉक टुगेदर कि आप आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं इस चैनल को लेकर, और क्या मतलब हम बेटर कर सकते हैं, ये सब बताइए। सो प्लीज तब तक के लिए बाय।